नादरीन सकर से मलक इमरान शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से 44 रुकनी यात्रियों का वफद युधिष्ठर लाल की कयादत में सात बेला पहुंचा। वफद की सखर आमन के मौके पर हिंदू बिरादरी की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर युधिष्ठर लाल व दीगर यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान में हमारी इबादत गाहें महफूज हैं और यहाँ पर हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल होती है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से खिदमत पर इंतहाई मशकूर हैं। खबरों में जो चीज़ें सुनते हैं वैसा पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि भाईचारे को मजीद फरोग मिले। उनका कहना था कि सिंध के लोग मेहमान नवाज और प्यार करने वाले हैं। मोहब्बत करने में सिंध और पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वफद की सखर के आमन के मौके पर जिले इंतजामिया की जानिब से सेक्रेटरी के इंतजाम सख्त किए गए थे। बेसिकली हम सब सिंधु पुत्र हैं और हमें सिंध पाकिस्तान आकर बहुत ही खुशी होती है। यहाँ की आवाम का मोहब्बत, यहाँ की आवाम का जो रहन सहन है, यहाँ की आवाम का जो आपस में किसी प्रकार का फेर फरका नहीं है, यह सब ही निश्चित रूप से यह पाकिस्तान की निशानी है कि यहाँ की आवाम बहुत ही अच्छी है। किसी किस्म का यहाँ धार्मिक मतभेद भी नहीं है, यहाँ पर कोई रिलीजन के लिए एक दूसरे से नफरत नहीं है। और यह सब बातें, हमारा मकसद ही वही है कि जो यहाँ जत्था लाते हैं वो आके देखे इंसानी मोहब्बत, इंसानी खिदमत के लिए यह सिंध और यह पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है और आगे एक स्थान, एक जगह, एक मुकाम ज़रूर बनाएगा। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.